नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। 30 मिनट के इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था। इसके बाद से हर महीने के आखिरी रविवार को इसका एक एपिसोड लाइव किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। बता दें, घाटी में भूकंप के झटके सुबह 5:15 पर महसूस किए गए। अमेरिका के टेक्सास के क्लीवलैंड में शनिवार को एक गैंगमैन ने गुस्से में पड़ोसियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें 8 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस गैंगमैन की तलाश कर रही है। देश में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कामकाजी महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में दफ्तर में काम कर सकती हैं। आप सरकार ने श्रम मंत्रालय ने इससे जुड़े ड्राफ्ट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। हालांकि आप सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली वाले अगर फैसले से खुश नहीं हैं तो 30 दिन के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल पर इससे जुड़े सुझाव और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में शनिवार को एक 3 मंजिला गोदाम ढह गया, जिसमें परिसर में रहने और काम करने वाले लोग फंस गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें 10 लोग घायल हैं। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें, आज 7 दिन बीत चुके हैं। विरोध कर रहे पहलवानों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से ईस्ट अफ्रीका में सूखा पड़ने की आशंका 100% बढ़ गई है। इसका खुलासा वर्ल्ड वेदर इंस्टीट्यूशन WWA रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.5 साल से अफ्रीका में एवरेज से कम बारिश हुई और ज्यादातर वक्त मौसम गर्म रहा। इस वजह से फसलें मुरझा गई और जल गई, कई जानवरों की मौत हो गई है। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।